आजमगढ़ से 24 में नहीं रहूंगा कि राह नहीं होगी आसान। फिर मुकाबला होगा टाइट, दिखेगी अखिलेश यादव और निरहुआ की फाइट। शिवपाल नहीं अब फिर से आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। आजमगढ़ से फिर से निरहुआ और अखिलेश होंगे आमने सामने। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव फिर से आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले दिनों उनके कन्नौज से लड़ने की चर्चाएं थी। साल 2024 चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन के लोग अलग अलग सीटों पर मंथन कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 में अखिलेश यादव इसी सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि 2022 में विधानसभा में अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद आजमगढ़ की लोकसभा सीट उन्हें खाली करनी पड़ी थी। फिर अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनाव लड़ाया, जो कि बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली के चुनाव लड़ने के कारण मतों के बंटवारा के बाद लगभग 7,500 वोटों से चुनाव हार गए और यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई, जहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ फिलहाल सांसद हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के लिए मंथन कर रहे हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव के कन्नौज और उनकी पत्नी डिंपल यादव के मैनपुरी, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के आजमगढ़ से व धर्मेंद्र यादव के बदायूं और अक्षय यादव के फिरोजाबाद से लड़ने की चर्चाएं चल रही थी। अब पार्टी सूत्रों की माने तो फिलहाल शिवपाल यादव अपनी पुरानी सीट जसवंत नगर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके कारण अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वैसे आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।